मैं हूं अशोकन, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जेस्टिन गेजी टोनी फर्गुसन धमाकेदार फाइट की वीडियो अच्छी लगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेनरी सेहूडो द ट्रिपल सी के बारे में। सुपरस्टार के माफिक हेनरी सेहूडो ने डोमिनिक क्रूज को हराया, उन्होंने टाइटल को डिफेंड किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी न्यूज़ अनाउंस की। हेनरी सेहूडो द ट्रिपल सी रिटायर होने वाले हैं यूएफसी से। बहुत लॉस होगा हमारा फैंस की वजह। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था हेनरी सेहूडो का, रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने की एक बहुत बड़े चांसेस हैं। तो चलिए चलते हैं। ये एक दुख भरी न्यूज़ थी, मगर खुशी देने वाली न्यूज़ ये है कि हेनरी सेहूडो उस फाइट को जीत गए। तो फाइट स्टार्ट हुआ और जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे, डोमिनिक क्रूज बहुत ही मूवमेंट कर रहे थे, यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे, कन्फ्यूज़ करने की सोच रहे थे हेनरी सेहूडो को। बहुत ही ज़्यादा हेड मूवमेंट्स और डिफरेंट एंगल से थ्रो कर रहे थे। हेनरी सेहूडो का स्ट्रेटजी एकदम सिंपल था, वेट करो, आराम से खेलो, एकदम रिलैक्स दिख रहे थे। और जैसे ही डोमिनिक क्रूज गलती कर बैठेंगे तब डोमिनेट करो, और वैसे ही हुआ। डोमिनिक क्रूज ने गलती किया और हेनरी सेहूडो ने इसको स्पॉट किया और बस एक नी दे दिया, कनेक्ट हो गया और डोमिनिक क्रूज नीचे गिर गए। मगर मज़े की बात यह है कि ये उतनी बड़ी गलती नहीं थी, बस एक बार डोमिनिक क्रूज ने अपने सर को झुका लिया था और ये हेनरी सेहूडो ने यार विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उन्होंने ये नोटिस किया और नी कनेक्ट कर दिया और डोमिनिक क्रूज नीचे गिर गए। देखिए, मैंने कहा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, तो दिस इज वाई हेनरी सेहूडो इज अ वेरी 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 ब्रिलियंट फाइटर। एक आम इंसान ऐसे नहीं कर सकता, मगर उन्होंने स्पॉट कर दिया और सही नी दे दिया और डोमिनिक क्रूज नीचे गिर गए थे। और उसके बाद उन्होंने अराउंड 10-11 शॉट्स दिए, पंचेस मारे और रेफरी ने इस गेम को स्टॉप कर दिया। हाँ, डोमिनिक क्रूज बता रहे थे कि वो खड़े होने वाले थे, मगर रेफरी ने स्टॉप कर दिया। वो नाराज़ थे, वो कह रहे थे कि डोमिनिक क्रूज, वो खुद कह रहे थे कि वो उठ रहे थे। मगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लग रहा था कि हेनरी सेहूडो डोमिनेट कर रहे थे टोटली, और हेनरी सेहूडो ने इस फाइट को जीत लिया है।